फ्यूजी नामी ट्रेन मनफी 40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकती है। ये चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप के बुलेट ट्रेनों के प्रोग्राम का हिस्सा है। इस ट्रेन को गुज़िश्ता दिनों बीजिंग में मुतारिफ कराया गया था, जो चीन के दारुल हुकूमत से शुमाल मशरकी हिस्सों की जानिब सफर करेगी, जिसमें हरबन भी शामिल है, जहां का हर साल होने वाला आइस फेस्टिवल बहुत मशहूर है। हुकाम ने फिलहाल इस ट्रेन के ऑपरेशंस के आगाज की तारीख का ऐलान नहीं किया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे पर चाइना रेलवे बीजिंग ग्रुप, यानी ये चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी का हिस्सा है, ने एक पोस्ट में बताया कि ये ट्रेन शदीद सर्दी में भी तेज रफ्तारी से चलने की सलाहियत रखती है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ पुर्जा जहाज पर तवज्जो दी गई है, जिसमें जदीद पुर्जे इस्तेमाल किए गए हैं। ये मटेरियल बहुत कम दर्जा हरारत में भी काम करता है। इसी तरह सिलिकॉन सीलिंग पट्टियां, जो बर्फ को ट्रेन की बॉडी में दाखिल होने से रोकती हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंट ब्रेक कंट्रोल डिवाइसेस और स्टेनलेस स्टील पाइप वगैरह भी काबिले जिक्र हैं। इस ट्रेन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि तवानाई का इस्तेमाल कम हो। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक चाइना रेलवे बीजिंग ग्रुप की बुलेट ट्रेन सेंटर के डायरेक्टर जो सोंग ने बताया कि अगर ट्रेन को हरबन एक घंटे के लिए रोका जाए तो वहां की शदीद सर्दी से ब्रेकिंग सिस्टम आसानी से मुंजमद हो सकता है, मगर हमारे नए सिस्टम से ब्रेक तवील वक्फे के बाद भी कार आमद रहते हैं। 2020 में चीन से कबल जापान में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बुलेट ट्रेन को मुतारिफ कराया गया था, जो तेज रफ्तारी के साथ जलजले के दौरान भी मुसाफिरों को हिफाजत से अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। NS 700 नामी ये ट्रेन 360 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकती है, ताहम उसे फिलहाल 285 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ाया जाता है। इस ट्रेन में ऑटोमेटिक कंट्रोल और ब्रेकिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, ताकि वो इमरजेंसी में फौरी रुक सके। याद रहे कि दुनिया में सबसे बड़ा तेज रफ्तार रेल नेटवर्क चीन में है, जो 37,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि वहां तेज तरीन ट्रेन शंघाई मागलियो में चल रही है। इस ट्रेन की रफ्तार 431 किलोमीटर फी घंटा है। चीन में 2017 से अब तक 1,036 बुलेट ट्रेन को चलाया जा चुका है। हमारी ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।